Hey everyone, what's up? Welcome back to my channel. I hope you all are safe at home. So आज मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत ही gorgeous, बहुत ही glamorous, colorful एक look. So if you want to know how I got this look, then please keep on watch. And ये color से आप कोई भी color यू नो चेंज कर सकते हो, स्विच कर सकते हो. ऐसे नहीं कि आपको बस ब्लू ही यूज़ करना है. मैंने बस एक तरीका दिखाया कैसे आपको करना है. So yep, keep on watching. But before starting, don't forget to subscribe to my channel if you are new here. And yeah, let's get started. सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू मॉइस्चराइज माई फेस. फॉर दैट मैं यहाँ पे लॉरियल रिवाइटलिफ्ट माइक्रो एसेंस यूज़ करूँगी. ये जस्ट परफेक्ट है यू नो मेरे फेस के लिए, मेरे स्किन टाइप के लिए इस ह्यूमिड वेदर पे. सो नेक्स्ट फॉर द प्राइमर मैं यहाँ पे नायका प्रेपियर प्राइमर यूज़ करूँगी. ऐसे नहीं कि आपके पास बहुत सारा प्राइमर होना चाहिए, आपके पास एक ही अच्छा प्राइमर होना चाहिए जो कि बहुत ही अच्छी तरह से आपके स्किन टाइप के साथ मैच करता है एंड वर्क भी करता है. सो ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है एंड ये मेरे पोर्स को फिल इन करता है एंड एक स्मूथ टेक्सचर देता है. नेक्स्ट मैं फिट मी लूज पाउडर से सेट करूँगी. इससे अगर आपका स्किन ड्राई है तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा टी स्किन बहुत जल्दी जल्दी ऑयली हो जाता है ना, इसलिए मैं सेट कर रही हूँ थोड़ा सा. देन फॉर द फाउंडेशन यहाँ पे मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन दी शेड 238 एंड 115 मिक्स करके अप्लाई करूँगी अपने पूरे फेस पे. स्प्रेड करने के बाद मैं इसे ब्लेंड करूँगी यूजिंग अ डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर. एंड मैं इसे अपने नेक पे भी अप्लाई करूँगी ताकि ये ना अलग अलग ना लगे नेक एंड मेरा फेस. एंड हर एक जगह पे यू नो लाइक ईयर पे, नोज़ के कॉर्नर पे, अपने जो हेयर लाइंस होते हैं ना फोरहेड पे, वहाँ पे अच्छी तरह से इसे ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये अलग अलग अजीब सा दिखता है. सो बहुत टाइम लेकर मैं फाउंडेशन जो है उसे ब्लेंड करे डैब डैब मोशन पे. एंड एज यू कैन सी मैंने अपने आईज के अराउंड जो है ना फाउंडेशन वहाँ तक लेके नहीं गया, क्योंकि मुझे वहाँ पे कंसीलर अप्लाई करना है एंड आई डोंट वॉन्ट टू टेक अप दैट प्लेस. सो वो फाउंडेशन अगर अप्लाई करते हो तो वो केकअप हो जाता है. सो नेक्स्ट फॉर द कंसीलर हियर आई एम यूजिंग मेबेलिन फिट मी कंसीलर इन द शेड 25 एंड मैं बस थोड़ा सा अपने आईज के अराउंड एंड अपने फोरहेड के बीचों में एंड नोज के ऊपर एंड थोड़ा सा अपने यू नो क्यूपिड्स वो एंड चिन पे अप्लाई करूँगी. देन यूजिंग द सेम ब्यूटी ब्लेंडर मैं इसे ब्लेंड करूँगी एंड ये बहुत ही ईजिली, बहुत ही जल्दी ब्लेंड हो जाता है. इसका कवरेज भी बहुत ही अच्छा है. देन मैं सेट करूँगी यूजिंग दैट सेम लूज पाउडर एंड मैं सेम इस स्पंज के हेल्प से इसे सेट करूँगी. मैं बेक नहीं कर रही हूँ, मैं बस इस थोड़ा थोड़ा लेके इसे एट द टाइम सेट कर रही हूँ. एंड मैं पहले यू नो अपने अंडर आई एरिया पे एंड अपने आईलिड पे सेट करूँगी एंड देन उसके बाद मेरे जहाँ पे मैंने कंसीलर अप्लाई किया था वहाँ पे सेट करूँगी एंड पूरे फेस को सेट नहीं करूँगी, क्योंकि जो मैंने अप्लाई किया था वो मैट फाउंडेशन था तो सेट करने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट मैं यहाँ पे शिवाना कलर्स का पैलेट ले रही हूँ, ब्लशर पैलेट. इसमें से मैंने कॉन्टोर लेके अपना फेस को थोड़ा सा कॉन्टोर किया है एंड फोरहेड को भी किया है, क्योंकि मेरा फोरहेड बहुत ही वाइड है. एंड देन एक स्मॉल आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से मैं अपने नोज़ को भी कॉन्टोर किया है एंड मैंने आजकल जो है नोज़ को एकदम आईब्रो से लेके नीचे तक आ रही हूँ, लाइक ब्लेंड कर रही हूँ, लाइक एकदम यू नो लॉन्ग लगे, लॉन्ग इफेक्ट है मेरा नोज़ का इसलिए. देन मैं इसमें इस ना सारे जो है पीच शेड्स है, तो मैं सारे जो ब्लश शेड्स है ना उसको मिक्स करके मैं अप्लाई करती हूँ ब्लश. बहुत ही प्रिटी सा कलर आता है. नेक्स्ट मैं आई शेडो के लिए हिलारी हुडा का पैलेट लूँगी, 16 कलर आई शेडो पैलेट. इसमें से मैं ये जो आपको दिख रहा है स्काई कलर का शेड, इसे मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश में लेके अपनी क्रीज पे इसे अप्लाई करूँगी. सर्कुलर मोशन पे ब्लेंड करूँगी, इनवर्ड आउटवर्ड मोशन पे भी इसे ब्लेंड करूँगी. पूरी क्रीज पे अच्छी तरह से ब्लेंड करूँगी एंड थोड़ा सा मैं इसे बाहर की तरफ यू नो विंग शेप में लेके जाऊँगी एंड मैं इसे जब तक अप्लाई करूँगी एंड ब्लेंड करूँ जब तक मुझे डिजायर कलर नहीं मिल जाता. इसे मैंने ज़्यादा आई शेडो कलर यूज़ नहीं किया है, बस दो कलर से ये जो लुक है ये कम्प्लीट हो जाएगा आपका. देन मैंने एक कंसीलर लिया है, वही सेम फिट मी कंसीलर एंड मैंने अपने जो क्रीज है उसे कट कर रही हूँ. एंड ये कट करने समय थोड़ा सा ध्यान रख के थोड़ा सा यू नो बहुत ही धीरे धीरे इसे करे तो बहुत ही इजीली एंड बहुत ही यू नो स्मूथली हो जाएगा ये. एंड एक बारी में बहुत सारा अप्लाई ना करे, थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई करे एंड अपने क्रीज को जो है कट करते जाए.
मैं यहाँ पे एक फ्लैट शेडर ब्रश यूज़ कर रही हूँ जो कि बहुत ही प्रिसाइज है टॉप पे। नेक्स्ट मैं ये शिमर शेड लूँगी जो कि अगेन ब्लू कलर का है, एंड मैं इसे मैं कंसीलर को सेट नहीं किया है, मैंने इसके ऊपर ही जो है आई शेडो अप्लाई कर ली ताकि थोड़ा सा पॉप आउट लगे और आई शेडो। एंड एज यू कैन सी मैं ऊपर थोड़ा सा गैप रख रही हूँ क्रीज में ताकि मैं वहाँ पे नेक्स्ट ग्लिटर अप्लाई कर सकूँ। एंड यू कैन सी कितना ज़्यादा पिगमेंटेड है ये सारे शेड्स। मैं बाहर की तरफ फिर से इसे विंग शेप में लेके जा रही हूँ एंड थोड़ा सा गैप रख रही हूँ। नेक्स्ट मैं क्रीज कलर को लेके अपने लोअर लैश लाइन को भी अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट मैं मिक्स कलर का पर्ल ग्लिटर लाइनर यूज़ करूँगी इन दी शेड गोल्ड, एंड मैं इसे अपने जहाँ पे मैंने गैप छोड़ा था यानी कि क्रीज पे मैं इसे अप्लाई करूँगी बहुत ही धीरे से, क्योंकि ये मैस बहुत जल्दी हो जाता है अगर इधर उधर चला गया तो आप इसे रब भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट मैं यहाँ पे वेट न वाइल्ड का मेगा लेंथ मस्कारा यूज़ करूँगी एंड इसे मैं अपने अपर एंड लोअर लैशेज़ को अच्छी तरह से कोट कर लूँगी, खास करके लोअर लैशेज़ को, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लॉन्गर इफेक्ट चाहिए मेरे लोअर लैशेज पे। इस लुक के साथ बहुत ही प्रिटी लगेगा। जो फॉर द फॉल्सीज में यहाँ पे एक क्लब फैक्ट्री का मैंने मंगवाया था एक रैंडम सा एक 3 सेट पेयर में से लगा रही हूँ अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पे रिमेल लंदन का वाइट कोल यूज़ किया है वाटर लाइन को टाइलाइन करने के लिए, एंड मैं एक ब्लू हेवन का स्केच लाइनर यूज़ किया है जस्ट टू बैलेंस आउट द लैश बैंड। एंड नेक्स्ट मैंने वेट एंड वाइल्ड का मेगा ग्लो हाइलाइटर यूज़ किया है इन दी शेड प्रेशियस पेटल्स, एंड मैं यहाँ पे अपने यूजुअल पॉइंट्स मेरे फेस का के हाईलाइट कर रही हूँ, एंड ये बहुत ही प्रीटी सा कलर है, इंडियन स्किन टोन के लिए तो परफेक्ट है। एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से मैं अपने इनर कॉर्नर्स एंड मेरे ब्राउन को भी हाईलाइट कर लूँगी। एंड फॉर द लिपस्टिक मैं यहाँ पे लैक्मे फॉरएवर मैट लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ इन दी शेड न्यूड ट्विस्ट, एंड इस लुक के साथ एक न्यूड लिपस्टिक तो एक परफेक्ट मैच है। सो या दिस इज माई फाइनल लुक यू गाइज, आई होप यू गाइज एंजॉय वॉचिंग दिस, एंड या आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर एंड आई लव यू ऑल।